मेरे नैनों की नूर, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को सुनाने आ रही हूँ एक कहानी। एक बार एक कोई संत महात्मा थे, वो दरवाजे दरवाजे भिक्षा मांग रहे थे। तो एक दरवाजे पर गए, उन्होंने कहा भिक्षाम देई। एक बड़ी प्यारी सी महिला उस घर से निकली और उसने लाकर बाबा जी को कुछ दिया, आटा वगैरह, और कहा कि प्रभु कोई उपदेश दे, कुछ बताएं, हमें प्रवचन बताएं, कुछ कुछ अच्छी बात। तो उसने कहा आज नहीं बेटी, कल बताऊंगा, लेकिन कल तुम मेरे लिए खीर बना के रखना। बड़ी प्रसन्न हो गई, ठीक। अब अगले दिन उसने खूब बढ़िया चावल लिया, घी में उसको फ्राई किया खूब अच्छे से, उसने काजू पिस्ता बादाम डाला, खूब दूध डाला, बहुत सारे मेवे केसर डाल के सुगंधित बना दिया उसको, और प्रतीक्षा करने लगी भाई आज तो साधु महाराज आएंगे, मैं उनको खीर खिलाऊंगी, खूब खुश। दोपहर का समय हुआ, फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया, कहा भिक्षाम देही। वो तो तैयार बैठी थी, उन्होंने कटोरा भर के खीर लिया और लेके चली गई उनके पास। तो उन्होंने कहा मेरे इस कमंडल में डाल दो। कमंडल वाले पात्र लिए रहते उसको कहते। तो वो जैसे डालने लगी वो रुक गई, बोली महाराज आपका कमंडल तो गंदा है, इसमें तो गोबर लगा हुआ है, बड़ी गंदगी पड़ी हुई है। तो बोले तो क्या हुआ, डाल दो। उन्हें नहीं नहीं लाओ, पहले मुझे इसको दे दो, मैं इसे शुद्ध कर देती हूँ, मैं साफ कर देती हूँ। तो वो साधु बोले अच्छा, जब मेरा कमंडल साफ कर दोगी, अच्छे से इसको शुद्ध कर दोगी धो मांझ कर, तभी इसमें खीर डालोगी ना। उसने हाँ भाई, नहीं तो खीर तो खराब हो जाएगी, मैंने इतनी मेहनत से बनाई है, इसमें बहुत सारे पिस्ता बादाम काजू किशमिश डाला है और बहुत अच्छे ढंग से दूध में पका के आपके लिए बनाया है, मैंने पूर्णतया शुद्धता का ध्यान रखा है, तो लाइए आप मुझे कमंडल दे दिए। तो बोले बेटी मेरा यही उपदेश है तुम्हारे लिए कि जो तुम्हारा हृदय है ना, इसमें भी कुसंस्कारों की गंदगी भरी पड़ी हुई है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो पहले अपने हृदय को साफ करो, तभी उसमें ईश्वर की बातें, ईश्वर का ज्ञान, धर्म का ज्ञान बैठेगा। जब तक हमारे अंदर कुसंस्कार भरे हुए हैं, मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या भरी हुई है, तब तक अच्छी बातें दिमाग में बैठती नहीं है। तो पहले इस मन को शुद्ध करो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो भाई आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबको टाटा बाय बाय।